निश्चित जीत थी, क्योंकि जिस नंबर तक पार्टी पहुंची है, किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक काम करता है। चैनल्स के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, लेकिन हमें पता था कि हमारी जीत होगी, जीत निश्चित थी, विश्वास था। ये विश्वास हमें 2019 तक लेकर के जाएगा। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? 2019 के जो इलेक्शन है उसका आगाज है, अंजाम तो बाद में। कई लोग कहते थे कि कहीं ना कहीं लोकप्रियता कम हो गई है मोदी जी की, क्या कहेंगे? जीत किस चीज को देखते हुए? उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो इस प्रकार की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। जिस तरह से सर साउथ इंडिया में अपना जो गेट था, गेटवे ऑफ कर्नाटक के जरिए में उसका किला जो है वो भेदा है, कहीं ना कहीं लगता है साउथ इंडिया को भी स्वीप करेगी बीजेपी आने वाले दिनों में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस भी स्टेट में हम जाते हैं प्रभाव बढ़ता है। अब कांग्रेस का नाम सिर्फ कांग्रेस पंजाब रख देना चाहिए। 2019 में इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो समय बताएगा। उसके लिए हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है और हमें अपने कार्यकर्ता पर विश्वास है। सर, जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी पहले नहीं होती थी, अब 25 तक पहुंची। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी कहां देखेगी? अगली बार जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, इस प्रकार की हम योजना लेकर के चल रहे हैं। आखिरी एक सवाल की जो आज कर्नाटक में जीत हुई है वो वोट किसको मिला है, क्या मानते हैं? सिर्फ लोकप्रियता को या बीजेपी की? जो कार्यकर्ता की मेहनत को वोट मिला है और जो एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार है उसको वोट मिला है। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ